दानिश शाह, हम मार्केट का मंजर आपको दिखा रहे हैं और ये मेरे पीछे जो अगर आप खंबा देखें जो आईफल टावर की सूरत हाल अख्तियार कर गया, क्योंकि ये टेढ़ा हो गया, आईफल टावर भी टेढ़ा होता है लेकिन ये खंबा है, ये बिजली की तारें हैं इस पर, और इस पर लोड इतना ज़्यादा हो गया है कि ये खंबा किसी भी वक्त यहाँ पर गिर सकता है। और इसे गिरने से क्या होगा, यहाँ पर जो आम मासूम शहरी, जो पाकिस्तानी, जो लाहौर का वासी जो यहाँ से गुजर रहा होगा, अगर ये खुदा ना खास्ता उसके ऊपर गिर जाएगा या तो वो झुलस सकता है या उसकी मौत वाकई हो सकती है, वो ज़िंदगी की बाजी यहाँ पर हार सकता है। ये ऐसे वाकयात इससे पहले भी कई मरतबा हुए हैं लेकिन कभी हुक्मरानों ने तवज्जो नहीं दी, हमेशा नोटिस दे दिया जाता है, लोग मुअत्तल कर दिए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को मुअत्तल किया जाता है, हमने वो भी खबरें सुनी है कि जब बापडा के अपने लाइन मैन तारे सही कर रहे होते हैं तो वो भी करंट लगने से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार देते हैं। भाईजन क्या नाम है आपका? शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये जो आईफल टावर बना हुआ है यहाँ जी, जी ये तो गिर सकता है कभी भी? ये शोर है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अभी भी गिर सकता है बैठे हुए, तेज आंधी तूफान आएगा ये गिर सकता है। क्यों नहीं गिर सकता, क्या लगे ये गिर सकता है? बिल्कुल गिर तो सकता, लोग यहाँ पे मर सकते हैं, लोग मर जाते हैं। कुरान तो ये जिम्मेदारी है इनकी, तो वो तो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, तो ये उनकी वो बेसिकली तब्दीली आ गई, आ चुकी है, आ गई है, क्या क्या तब्दीली आई है ये इसको, यही तो फिर ही तो मानेंगे तब्दीली आई है, जब वो इस निज़ाम को सही करेगा, ऐसे फैक्टर को ठीक करेंगे तो फिर ही वो सारी आवाम ठीक होगी सारे। ये ट्रांसफार्मर्स आप देख रहे हैं, इसकी हाइट जो इस वक्त यहाँ पे लगाई गई है ये क्या है, उसके साथ साथ जो कूड़े का निज़ाम रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे बोरियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पे भी लोग आके सामान फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं ताकि सफाई के निज़ाम का भी ख्याल रखा जा सके, लेकिन ये करंट है यहाँ पे लोगों को ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी को यहाँ पे खेल रहे हैं। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर की सूरत आप देखें, जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर ख़राब हुआ होगा, बापडा ने, लेस्को ने आर्जी तौर पर ये फैसला किया होगा कि यहाँ पर बिजली का निज़ाम जो मुअत्तल हो चुका है उसको दोबारा बहाल किया जाए और यहाँ पे ट्रांसफार्मर ला के रख दिया गया है। अभी ट्रांसफार्मर कितने अरसे से यहाँ पे पड़ा है, जो सड़क के दरमियान में पड़े, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से लोगों को करंट लगने का ज़्यादा खतरा है, ये ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है यहाँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको अगर ये दिखा दूँ कि ये 400 KVA का ट्रांसफार्मर है, अगर किसी आम शहरी का इसको हाथ लगता है तो वो शहरी जिंदा नहीं बच सकता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है हुक्मरानों की, ये जिम्मेदारी है बापडा के महकमे की, ये जिम्मेदारी है लेस्को हुकाम की, जिनकी जिम्मेदारी है ये छः माह से सड़क पे। यहाँ पे नियाजी साहब थे इंचार्ज यहाँ के वार्डन के, उन्होंने भी DCO को बुलाया, HCN को बुलाया, उन्होंने ये काम नहीं किया। क्यों? ये उनको पता है ना, उसकी जगह तो बनी हुई है, ये वापडालों को पता है ना, ये जवाब दे एक्शन जवाब दे, SDO वाज ये ब्लास्ट हो सकता है, ये फट सकता है, पीछे ब्लास्ट हुआ है ट्रांसफार्मर, शॉपें सड़ी हैं, यहाँ पे दुकानदारों की, ये आए रोज यहाँ पे खबरें आए रोज, यही है तो ये शॉप अभी सड़ी है, ये शॉप अभी चल रही है, चाइना सेंटर, हाँ जी ये दिखाए, इसको आग लगी है, हाँ ये इसी की वजह से ये SDO जिम्मेदार है, एक्शन जिम्मेदार, ये जिम्मेदार तो सारे हैं, ये सैयद सरताज साहब हैं यूनियन के सदर, वो उधर मॉडर्न शॉप है, उन्होंने भी बुलाया है, SDO एक्शन नहीं आए, हालांकि नियाजी साहब थे यहाँ पे इंचार्ज, उन्होंने बड़ा कहा है SDO को, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हुआ, ये काम ये उधर तो बेहसी है उनकी, छः माह से बेहसी है, बहुत गलत निज़ाम है, किसी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अक्सर लोग यहाँ पे खबरें आती है कि कोई जिंदगी की बाजी हार गया है, कोई मौत हो गया, कई दफा हो गया, कई दफा मत दबाओ, कई दफा हो गया, तो क्यों नहीं सही होता निज़ाम? ये हमारे हुक्मरान नाहिल हैं, जो उसकी इंतजामिया है लेस्को वाले, उनकी तवज्जो ही नहीं है, जरा से भी तवज्जो नहीं है। तो आप लोग इतजाज क्यों नहीं करते? इतजाज कहाँ करें, इतजाज करते वहाँ पकड़ पकड़ शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सूरत हाल आपने यहाँ पे देखी है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है उनके चेहरों पे मायूसी है, उम्मीद का दामन इन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा, लेकिन इनके चेहरे पे वो मायूसी नज़र आ रही है, वो खौफ है, वो मौत का खौफ जो हमारे तमाम लोगों के सरों पे लटक रहा है। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि लाहौर शहर जिसको जिंदा दिलों का शहर कहा जाता है, यहाँ ज़िंदगी बसती है, यहाँ पे लोग ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, यहाँ पे रात को लोग जागते हैं, ये शहर कभी सोता नहीं है, इस शहर की ज़िंदगी बाकी तमाम पाकिस्तान के शहरों से मुख्तलिफ है, इस शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लेकिन दिल को
ख़त्म करने के लिए हमने जो यहाँ पे निज़ाम बनाया हुआ है, ये चाइना सेंटर अगर आप देखें, ये शाला मार्केट का, इसको अभी आग लगी है। इसकी आग लगने की वजह ये बड़ी तारें हैं। ये तारों का निज़ाम है कि इसके नीचे से गुजरना भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जिस तरीके से यहाँ पर निज़ाम बनाया गया, इस निज़ाम को ठीक करने के लिए कोई शख्स क्यों नहीं आता, कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने को कोई क्यों तैयार नहीं है? कितने साल बीत गए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि किसी को कोई कह रहा है 20 साल से ये निज़ाम ऐसे है, कोई कह रहा है 30 साल से ये निज़ाम ऐसे है। इस निज़ाम को बेहतर करेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जब यहाँ पे लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनसे वादा करते हैं कि आपकी यहाँ पे सड़क बनाई जाएगी, आपको कुछ ज़्यादा पार्किंग दी जाएगी, आपका यहाँ निज़ाम अच्छा किया जाएगा, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, खूबसूरत निज़ाम बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ का निज़ाम जो आपके सामने है वो आज तक सिर्फ बातों तक, नारों तक, वादों तक और दावों तक ही रहा। ये तमाम तर निज़ाम शायद हुक्मरानों ने अपनी सोच में रखा, इसको प्रैक्टिकली इसके इम्प्लीमेंटेशन करना भूल गए। और ये निज़ाम आपके सामने के, यहाँ पे लोग, कई घर यहाँ पे उजड़ गए जो अपनी ज़िंदगी की बाजी आ गए, कई खूबसूरत चिराग यहाँ पे बुझ गए, कई मासूम चिराग यहाँ पे बुझ गए। यहाँ पे बच्चों को भी इतलात खबरें सामने आई कि बच्चे यहाँ पे ज़िंदगी की बाजी हारे हैं, या ये खबरें भी सामने आई कि बुज़ुर्ग हजरात अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे हैं, या ये खबरें भी सामने आई कि पूरा लादा जल गया और उसमें कई लोग झुलस के मर गए। तो इस पर शर्म आनी चाहिए उन तमाम हुक्मरानों को, उन तमाम महकमे के अफसरान को जो ये नारा लगाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम निज़ाम को बेहतर करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शाह आलम मार्केट का मंजर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ये गुच्छे बने हुए हैं तारों के, ये ऐसा लग रहा है ये तारे नहीं है, ये घोंसले हैं जहाँ पे परिंदे आके अपना घोंसला बनाते हैं। ये इंसानी बस्ती लग नहीं रही क्योंकि यहाँ पे इंसान बसते हैं, लेकिन शायद जो महकमे के अफसरान हैं, जो मुतलका हुकाम हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो यहाँ पे चलने फिरने वाले लोगों को इंसान समझते नहीं हैं, या इनको इंसानी अहमियत देते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी और इलाके में चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं और एक मरतबा फिर दिखाने की कोशिश करते हैं हुक्मरानों, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम नहीं है, ये पहली खबर नहीं है। कई मरतबा, कई सालों से निज़ाम ऐसा ही दिखाया जा रहा है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हुक्मरानों के सर पर और महकमे के हुकाम के सर पर जूँ तक नहीं दिखती। किसी और इलाके में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लाहौर शहर, जिसको ज़िंदगी कहा जाता है, जिसका नाम ज़िंदगी रखा हुआ है लोगों ने, वहाँ पर ज़िंदगी के सर पर कैसे तलवार लटक रही है मौत की, आपको दिखाते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, लाहौर शहर में तारों की सूरत हाल की आपको बता रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं, इस पर लोगों की राय जान रहे हैं, उन हुक्मरानों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन महकमे के जो हुकाम है उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे उन्होंने काम करना है। गवर्नमेंट रंगमहल क्रिश्चियन हाई स्कूल लाहौर, ये इसकी इमारत आपके बिल्कुल सामने है। यहाँ पर बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे बच्चे अपना तालीम का निज़ाम जो है वो यहाँ पे चल रहा है और तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। लेकिन उसके बिल्कुल ऊपर ही सामने आप देख सकते हैं कि ये हाई टेंशन वायर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा करंट है, ये वोल्टेज, हाई वोल्टेज की तारें हैं, ये यहाँ से बच्चे गुजरते हैं। ये तार जितनी नीचे आ चुकी है अपनी ओरिजिनल हालत से, ये किसी भी वक्त गिर सकती है और यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकते हैं। ये निज़ाम है लाहौर शहर का, जहाँ कहा गया कि इस शहर को पेरिस बनाने का भी दावा किया गया है, इस शहर में अरबों रुपए के तरक्याती काम करने के भी दावे किए गए। लेकिन ये तरक्याती काम आपके सामने बोल रहे हैं कि जो माजी की हुकूमतें भी यहाँ पे हुक्मरान जमात रही हैं लाहौर शहर में, मुसलमान नवाज खास तौर पर अगर उसकी बात की जाए तो पिछले 10 साल से वो हुक्मरान जमात थी, लेकिन 10 साल में वो इस शहर में लोगों की ज़िंदगी महफूज नहीं कर सकी। ये लाहौर शहर का इलाका है, ये रंग महल का इलाका है और ये आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल के बाहर भी यही हालत है, जो मेन बाज़ार के अंदर है, जो गलियों के अंदर है, जो आबादियों के अंदर है। लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी किसी वक्त भी हार सकते हैं। लोग जो हुक्मरान है ये दावा करते हैं, ये नारा लगाते हैं कि उनकी जान और माल की हिफाजत वो करेंगे, लेकिन ना तो हुक्मरान उनकी जान की हिफाजत कर रहे हैं और ना ही उनके माल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा यहाँ पर कुछ लोगों से बात करूँ, यहाँ पर काम करते हैं। ये जो तारें यहाँ पर लटकी हुई हैं, ये कितनी ख़तरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है। खतरनाक है ना? हाँ। इनको सही क्यों नहीं करता कोई? इसमें जो इलाके का सरबरा होता है, जो उसका काम है, होता है ना, वापडाव वाला का काम होता है ना, वो खुद नहीं देख रहे, वापडाव वाला को तो नजर ले रहे, खतरनाक तार है नीचे लगा हुआ। चाचा, ये जितनी हाई वोल्टेज की तार है ये ऊपर होती थी, ये कवर है, इनके ऊपर होल चढ़ा हुआ है, होल चढ़ा हुआ, टूट गया यहाँ से, होल वहाँ से भी टूट गया, लोड ज्यादा डैमेज होती रहती है सारे, तो ये तार गिर भी सकती है, गिर सकती है, तो जो
دین قبر میں ہے وہ قبر میں ہی آنا ہے. وہ تو ہمارا ایمان ہے, وہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی, نہیں ذمہ داری ان کی. تو جو 10 سال گزار گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان کی بھی ذمہ داری تھی, ان کی ذمہ داری تھی, ان کی بھی ذمہ داری تھی, جو آپ آئے ان کی بھی ذمہ داری ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ اس چیز پہ تو نہیں چھوڑ سکتے کہ جسے مرنا ہے جب موت کا وقت لکھا ہے تب آنے, تو ہم کام ہی نہ کریں. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا بطور مسلمان, جو حکومت نے کرنا ہے وہ ہم نے ضرور کرنا ہے. یہ حکومت کیوں نہیں کرتی کچھ, کیسے کسی بھی وقت یہ حادثے کا سبب بن ہو سکتا ہے, کوئی بھی معصوم یہاں پہ زندگی کی بازی ہار سکتا ہے, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کرتے صحیح, یہ تو کرنا چاہیے نا, یہ واپڈا کو کرنا چاہیے. ہاں جی بھائی, یہ حکمرانوں کو چاہیے نا, ان کی ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری ہے. تو وہ کیوں نہیں کرتے صحیح, ان کو چاہیے, ان کو آپ لوگ کا احساس کیوں نہیں ہے؟ یہ غریب عوام آپ کیا کرے, وہ نام نعرہ تو غریب عوام کا لگا کر آتے ہیں جب بھی اقدار میں آتے ہیں, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ مسلم لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. تو وہ کیوں آپ کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ ان کو چاہیے نا کہ عوام کا سوچنا چاہیے, وہ سوچتے ہی نہیں ہے. ووٹ لینے آ جاتے ہیں بس, لیکن آپ اب سوچتے نہیں ہیں پھر بھی ووٹ دے دیتے ہیں, نعرے میں آ جاتے ہیں, سب دیتے ہیں نا وہ نعرے میں آ جاتے ہیں. یہ اگر دیکھیں منظر دیکھیں, بالکل سامنے جو بازار کے اندر سڑک جا رہی ہے, رنگ محل چوک کا یہ علاقہ ہے, جس طریقے سے یہاں پہ تاروں کا نظام ہے, جس طریقے سے یہاں پہ تارے لٹک رہی ہیں, یہاں پہ کھمبے لٹک رہے ہیں, یہاں پہ تارے گر سکتی ہیں, ایک ایک کھمبے پہ درجنوں میٹر یہاں پہ لگائے گئے ہیں, کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ماضی میں بھی یہاں پہ حکومتیں رہیں, اب بھی حکومت ہے, کسی کو تو چاہیے اس کا عام آدمی کا احساس کریں اور اس پہ ایکشن لیں. We'll be right back.